ओके, जो मेरी फोन बूथ को लेकर एक्सपेक्टेशन थी ये उससे ज़्यादा ऊपर निकली है एंड मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। एक मिनट, मैं फिर से आगे बढ़ गया ना, शुरू से शुरू करते हैं। तो फोन बूथ भाई, इसके अंदर ये परफॉर्मेंस है सारे के सारे एक्टर की, जितनी भी इसके अंदर दिखाए गए हैं, इवन वो सपोर्टिंग हो या नया हो, उन सब की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। लाइक इडियोटिक रोल है, इडियोटिक पिक्चर है, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उन्हें यही करना था, यही बनाना था एंड इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन इट कम टू कास्टिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर फिल्म, ओके। तो इन सारी चीज़ों के अंदर स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती जितना कॉमेडी करती है, एंड ये हॉरर कॉमेडी की बात करी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आई है। एग्जांपल के लिए आजकल की मूवी काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है कि पॉप कल्चर को रेफरेंस कर दो, कॉमेडी हो जाएगी, जो कि इसने भी करा है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में। लाइक इसका पूरा पूरा मेन थीमेटिक मीनिंग जो है वो इसी से आ रहा है। हर एक चीज़ जो तुम सोच सकते हो तुमने पॉप कल्चर के अंदर देखी है, वो हर एक रेफरेंस तुम्हें यहाँ पे एज अ जोक देखने को मिलता है। हॉरर मैं नहीं कहूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा हॉरर है, कुछ हॉरर के एलिमेंट मेरे को देखने को नहीं मिले। एक दो जंप स्केयर थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, मेरे को तो नहीं पड़ा पर्सनली। अगर हॉरर की एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हो तो भाई तुम डिसअपॉइंट होगे, लेकिन अगर तुम कॉमेडी की एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हो और ज़्यादा नहीं सोचते मूवी देखते समय, तो तुम्हें ये बेहतर लग सकती है। आई नो तुम में से कुछ लोग कहने वाले हैं कि जब तेरे थैंक गॉड आई थी तो तूने ये बोला था वो बोला था, लेकिन भाई ये देखो ना कि पिक्चर अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। थैंक गॉड दिखाना चाह रही थी कि हम सीरियस और कॉमेडी को एक साथ बैलेंस करके चल रहे हैं, ये हॉरर और कॉमेडी को एक साथ बैलेंस करके चल रहे थे। हॉरर थोड़ा डाउन हुआ लेकिन कॉमेडी अच्छे लेवल पे हमें देखने को मिली जो एक्चुअली में हंसा दे। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि तुम्हारे साथ में जो लोग बैठे हुए हैं थिएटर के अंदर वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैं वही सही बताता हूँ, दे आर लाफिंग देयर एस ऑफ, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि भाई मैं इनके अंदर की जो मीनिंग है उन्हें ढूंढता रहूँ, या फिर ढूंढता रहूँ कि भाई इसमें ये कमी इसमें वो कमी है, या फिर मैं सिंपली उसे एंजॉय करूँ, आऊँ रिव्यू बनाऊँ और तुम्हें आके बोल दूँ कि तुम इसे जाके देख सकते हो एंड मेरी तरफ से है यस।